गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते आज का ब्लॉग। सो गाइस, आलू का आज बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। फिलहाल गाइस, सुबह सुबह तो बहुत पहले ही उठ गए थे, तो उठ के घर का थोड़ा बहुत काम भी हो गया। फिलहाल ये सब कपड़ा कल धोए थे ना, इसको अच्छी तरीके से समेट लेंगे और फिर उसके बाद पोछा लगा के खाना बनाएंगे। खाने में आज बनेगा वाटर स्पिनेज की, उसको फ्राई करेंगे क्योंकि छत पे थोड़ा बहुत वाटर स्पिनेज लगाए थे, तो वही वाटर स्पिनेज कुछ बनाएंगे और थोड़ा सा ओल और सीम की एक सब्ज़ी, और यहाँ पे ये सब करके पहले आज पोछा लगा लेंगे, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। और वो जो आलू का रेसिपी है ना, वो शाम को मैं बनाऊँगी बेटे के लिए। तो मेरा बेटा जैसे कभी भी कुछ भी अलग से अलग खाने का मन करता है उसे, तो कभी भी बोलते हैं, तो इसीलिए उसके लिए बनाना पड़ता है। फिलहाल कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा पड़ा था पेट पे, तो इसको अच्छी तरीके से इसको समेट लेंगे। और फिलहाल मेरी मम्मी दूसरी तरफ कर रही है कोई काम, तो देखिए यहाँ पे ये जो लिफाफा होता है ना, जिसमें हम लोग दाल चावल कुछ डाल के जैसे लोग बेचते हैं ना, तो ये सब जो पहले लोगों का करते थे, फिलहाल अभी ना पेपर खरीद के खुद ही कर रहे हैं। क्योंकि गाइस, बाहर जाके काम, मतलब कोई भी जॉब करना पॉसिबल नहीं है। और मेरा बेटा जैसे ट्यूशन वगैरह भी अगर कर लूँ तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा बेटा ना किसी भी बच्चे को टच नहीं करने देता, क्योंकि उससे ना इतना ज़्यादा वो जेलिस फील करता है कि क्या बताओ। उसे लगता है कि अगर मैं किसी को टच कर लूँ तो ना उसका हो जाऊँ, तो यही उसे कोई पता नहीं कैसा डर है। और मुझे किसी को छूने भी नहीं देता, मुझे किसी के पास खड़े भी नहीं रहने देते। तो जैसे उसके अंकल का बेटा, बुआ का बेटा बेटी सब होते हैं ना, तो उन लोगों को भी जब जाते है ना, उन लोगों से भी मतलब मुझे बोलते कि दूर रहो, टच मत करो, क्योंकि अगर मैं ज़बरदस्ती अगर किसी को छू लूँ या टच कर लूँ तो वो अपने आप को ही बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा, घर आके खुद को ही मारेगा। तो गाइस, इसीलिए ना उसे मतलब बच्चा, उसे लगता है कि मेरी मम्मी अगर किसी को छू ले या किसी को गोद में ले ले तो मेरी मम्मी उसका हो जाएगा। मैं उसे बहुत ज़्यादा समझाती हूँ लेकिन वो समझता ही नहीं, तो इसीलिए ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पाती, क्योंकि ट्यूशन अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे को ही पढ़ाएंगे ना, तो उसे ना बच्चे से मतलब उसे वही डर लगा रहता है। क्योंकि जैसे पापा को खोने के बाद उसे ना बहुत ही, मतलब पहले भी पापा जब जिंदा थे तभी भी उसे बहुत ज़्यादा वो जेलिस फील करते थे कि मैं किसी बच्चे को टच ना करूँ। और फिलहाल देखिए खाना में चढ़ा दिया है, खाना में वही बटर स्पिनेच और ये जो ओल और सीम की सब्ज़ी। तो गाइस, ये उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए बाहर जाके भी मैं कोई काम नहीं कर पाती, और ऐसे ट्यूशन तो इसीलिए मैं नहीं पढ़ा पाती। और बाहर जाके अगर कोई जॉब करूँ ना, तो बच्चे का, जैसे हम लोग तो थोड़ा बहुत गांव की तरफ रहते हैं, तो कोई भी अच्छा खासा जॉब तो शहर में ही मिलेगा। तो पहले जॉब करती थी, बेटा जब नहीं हुआ था तो उस टाइम पे जॉब करती थी, फिलहाल बेटा होने के बाद तो कोई जॉब नहीं किया अभी तक। और घर से निकल जाएंगे ना तो रास्ते में ही बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, और जैसे घर का कुछ और नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए ना बाहर जाके बेटे का पढ़ाई, बेटे का इतना सारा काम होता है, एक बच्चे का, माँ का कितना ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए बाहर जाके भी कुछ नहीं कर पाती। तो सोचते कि घर पे बैठे ही कुछ अगर आ जाए, तो इसीलिए वो लिफाफा पहले दूसरे का करते थे, अभी ना खुद पेपर खरीद के खुद ही कर रहे, तो अगर दो चार पैसा कुछ भी आ जाए ना तो कुछ तो हो जाएगा ना, तो मतलब यही सोच लेके करते हैं। और मेरे लिए कोई भी काम मुझे नहीं लगता छोटा है, जैसे चोरी डकैती से बड़ा कोई वो मतलब काम नहीं है कि ये सब, अगर मेहनत से कोई भी काम करो, वो कोई भी काम हो ना, उसे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। तो गाइस, यही बात है, तो मेरे लिए सभी इंसान है सब, और सब लोगों को जीने का हक है, और कोई भी काम हो सर उठा के कर सकते अगर वो चोरी ना हो। तो गाइस, यही बात है। और फिलहाल यहाँ पे उबले हुए आलू ले लिए, पहले इसका छिलका निकाल लेंगे और बनाएंगे रेसिपी। तो इसको ग्रेटर से पहले ग्रेट कर लेंगे और ना फिर बनाएंगे, क्योंकि गाइस अंदर, जैसे आलू के अंदर ना थोड़ा बहुत लम्स वगैरह रहता है, तो वो ना इसको मैश करेंगे ना तो ये लम्स पूरा रह जाएगा, तो ये जो रेसिपी है ना, नाश्ता बोलिए रेसिपी बोलिए, ये ना अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए आलू मैंने मैश कर लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया चाट मसाला, आलू लिया चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा यहाँ पे चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा देखिए
जो धनिया और ये कश्मीरी चिली है, और यहाँ 2-3 चम्मच वो जो राइस फ्लावर मतलब चावल का आटा, तो ये सब कुछ अच्छी तरीके से ना मैं मिक्स कर लूँगी आलू के साथ और इसको बनाऊँगी बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो गाइस शाम के टाइम पे ऐसा अगर रेसिपी बन जाए ना चाय के साथ भी, मतलब दिल खुश हो जाएगा। और घर में अगर बच्चा हो ना, बच्चे लोगों को तो बहुत अलग अलग टाइप का खाने का मन करता है, तो उसके लिए भी आप लोग बना सकते हो, या घर में कोई गेस्ट आए गेस्ट के लिए भी आप बना सकते हो। ये पूरा मतलब वेज रेसिपी है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो देखिए इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया और हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के ना इसको, जैसे मैं लंबा लंबा शेप का बना रही हूँ, आप लोग जैसे भी मतलब गोल बनाइए कुछ भी बनाइए, ये मतलब शेप तो अपने हिसाब से बना लीजिए। और खाने में इसमें ना मैंने हरा मिर्च नहीं डाला, तो थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया इसीलिए ना हरा मिर्च मैंने नहीं डाला। और जीरा पाउडर के साथ थोड़ा बहुत वो था वही ब्लैक पेपर, तो इसीलिए थोड़ा तो ऐसे तीखा ही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने तेल डाल के इसको फ्राई करना है, थोड़ा सा इसको ना जैसे मीडियम टू लो फ्लेम में इसको फ्राई कर लेंगे डीप ऑयल में, और बन जाएगा बहुत ही टेस्टी नाश्ता या बहुत ही आलू का बहुत ही टेस्टी रेसिपी। सो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, ये कोई भी चटनी के साथ खाइए या केचप के साथ बहुत अच्छा लगेगा, और बच्चे लोग तो दिल खुश हो के खा ला जाते हैं जैसे ये। और ये बहुत झटपट भी बन जाता है, अगर घर में उबला हुआ आलू हो तो तुरंत ही बन जाता है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वाला रेसिपी शेयर कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो गाइस यही बात है कि ज़िंदगी में जैसे हम लोग सोचते हैं ऐसा तो नहीं जाता, ज़िंदगी कभी भी किसी भी मोड़ पे बदल सकता है इंसान का, और इसी का नाम ही ज़िंदगी है। और जैसे जितना सोचते हैं उसी के हिसाब से नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे सबको लेके ही चलना पड़ता है। और जैसे मेरा बेटा ना कुछ अलग मतलब बहुत ही टाइम के बाद हुआ है, तो बेटे के लिए बहुत ही तकलीफ़ करना पड़ा, तभी मतलब बहुत ही दुआ बोलिए बहुत कुछ मतलब शादी के बोलिए तो बोलिए तो 10 साल के बाद मेरा बेटा हुआ है, और उसे इतना तकलीफ़ दे के अगर उसे जो चीज़ पसंद नहीं है उसे लगता है कि मेरी मम्मी अगर किसी को टच कर ले तो मम्मी उसका हो जाएगा, तो मैं समझाती हूँ लेकिन फिर भी नहीं समझता, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब खुद को ही मारेगा ऐसे करके, मतलब वो करता है कि अगर मैं ज़बरदस्ती किसी को गोदी में उठा लूँ ना कोई बच्चा को किसी को, तो वो खुद को ही इतना मारेगा कि पूरा गाल सूज जाएगा। तो इसीलिए ना उसे जो पसंद नहीं है मैं नहीं करती, क्योंकि वो जब बड़ा हो जाएगा ना तब मतलब समझ में आ जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल छोटा है ना, तो उसका सोच अलग है और जैसे हर किसी का सोच अलग अलग होता है ना। तो गाइस देखिए कितना बढ़िया बढ़िया आलू का ये रेसिपी बन रहा है, देखिए देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है, गाइस खाने में तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। सो गाइस देखिए मैंने पूरा तल लिया तेल में और फिलहाल प्लेट में अच्छी तरीके से इसको रख दिया, थोड़ा सा केचप डाल दिया, और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट। आप लोग रात को मतलब शाम को चाय के साथ भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी है। तो गाइस इसको तोड़ के जैसे तोड़ के दिखाते कितना बढ़िया हुआ है। सो गाइस आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, बाय बाय।